सीतामढ़ी नगर निगम वार्ड संख्या 3 की प्रत्याशी शबनम कुमारी ने नगर निगम सीतामढ़ी के वार्ड संख्या 3 से चुनाव लड़ रही शबनम कुमारी और उसके प्रतिनिधि ने हमारे संवाददाता शिवशंकर यादव को क्या कुछ बताया है, देखिए आप इस खास रिपोर्ट में। सीतामढ़ी से संवाददाता शिवशंकर यादव और बैसु कुमार की खास रिपोर्ट। मैं शिवशंकर यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। आज कानूनी जंग न्यूज के टीम सीतामढ़ी के खैरवा में पहुंच चुकी है, जहां के वार्ड पार्षद प्रत्याशी शबनम कुमारी है, जिसे आज हमको रूबरू कराना चाहते हैं। आज मैं वैसे प्रत्याशी से मिलाना चाहता हूं, जिनका जन सैलाब देख कर आपको आज पता चल गया होगा कि शबनम कुमारी औपचारिकता सिर्फ पूरा करना है, चुनाव जीत चुकी है। चलिए आप अपना परिचय बताइए। जी, मैं शबनम कुमारी वार्ड नंबर 3 से खैरवा गाँव से है, वार्ड पार्षद पद से हैं जी। मेरे पति श्री मनीष पंडित और मेरे ससुर श्री दिनकर पंडित जी, उनकी मैं बहू हूँ। आप सब जनता जननगर से निवेदन है कि आप लोग हमको वोट दें, अपना बहुमत और मेरा अपना आशीर्वाद हमको दीजिए। आप चुनाव जो वार्ड पार्षद की लड़ रही हैं, यह सुझाव आपको किसने दिया? मेरे ससुर जी दिनकर पंडित जी हैं, प्रमुख साहब, उसने मुझे बताया कि और क्या जनता सबका सबका आपका समर्थन है। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहला काम कौन सा होगा जो आप जनता के लिए करेंगी? सबसे पहला काम मेरा होगा ठीक सड़क योजना, प्रधानमंत्री योजना लिखी है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीष पंडित हुआ, शबनम कुमारी वार्ड पार्षद प्रत्याशी का पति, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि माने उम्मीदवार प्रतिनिधि मनीष पंडित। मैं पेशे से ग्रामीण चिकित्सक हूँ, समाज सेवा मेरा धर्म बनता है और मैं 18 वर्ष का हूँ, तब से ही समाज सेवा शुरू कर दिया। आप पर्चे के मोहताज नहीं हैं, जहाँ तक मैं जिला की बात करता हूँ, मनीष जी आप अपनी पत्नी को इस पर चुनाव लड़वा रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि गरीब तबके के लोग जो है अधिक से अधिक हमारे वार्ड में, जो ग्रामीण क्षेत्र से आता था, पहले पंचायत था, पंचायत से नगर निगम में आ गया, और ग्रामीण तबके होने के कारण बहुत गरीबी यहाँ माने, जब हमारे प्रतिनिधि अगर जीतते हैं तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा गरीबों को माने निचले स्तर से देखना, माने जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन होगा, विधवा पेंशन होगा, जल जमाव की समस्या हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा है, माने बहुत जगह अभी बिजली का भी समस्या है। अभी हम लोग यहीं वार्ड नंबर 3 के खैरवा टोला में आए थे, यहाँ भी अभी बिजली की समस्या है। तो मेरा प्राथमिकता है कि ईमानदारी से लोगों के बीच माने कि जितना मेरा जन समर्थन मिल रहा है, माने उस उम्मीद पर हम खड़ा हूँ। मेरा एक मनीष पंडित टीम कार्यालय मेरे आवास पर चलता है, टीम में लगभग 300 लड़का हैं, और उस टीम के माध्यम से जितने भी मेरे मतदाता हैं, इस वार्ड का जितना भी मतदाता है, उनको मैं सूचित कर दिया हूं, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि मेरे अगर हमारा आप लोगों का सहयोग और प्यार मिला और हम जीतते हैं तो फोटो स्टेट तक का पैसा हम लगने नहीं देंगे। हमारे कार्यालय में ऑनलाइन फोटो स्टेट चाहे जितना भी सरकारी सुविधा है वो मेरे कार्यालय में, वहाँ मतदाता मेरे जितना भी जनता यहाँ के लोग हैं पहुँचेंगे, उनका काम माने कार्यालय में, वहाँ ऑफिस में नगर निगम या जिला में जाने की जरूरत नहीं है। हो सके कि बड़े पदाधिकारी से काम है तभी वहाँ से वो जा सकते हैं, नहीं तो मैं अपने कार्यालय में ही सारा व्यवस्था कर दिया हूँ। लैपटॉप का व्यवस्था माने कंप्यूटर का व्यवस्था, फोटो स्टेट का व्यवस्था, सारा व्यवस्था मेरे कार्यालय में है। जिनको भी ये जरूरत हो 12 बजे रात में मुझे खोजे, मैं वहाँ उपलब्ध रहूँगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकारी योजना आती है तो उसका जैसे आधार कार्ड का फोटो कॉपी दीजिए, पहचान पत्र का दीजिए, पासबुक का दीजिए, लोग फोटो स्टेट कराते करते परेशान हो जाता है, लोग ये समझते हैं कि दूर अब काम होगा ही नहीं, छोड़ो अब नहीं होगा। इसके लिए मैंने सोचा कि गरीब तबका के लोग हैं जो वहाँ कितना पैसा कहाँ से लाएगा कि फोटो स्टेट कराएगा कि वहाँ तक जाएगा अपना काम छोड़ करके, इसीलिए मैंने उस ऑफिस को खोला है, उस कार्यालय में सारा व्यवस्था है, वहाँ पहुँचेंगे लोग और उनका काम किया जाएगा। और समाज का सेवा पिछले 20 सालों से अपने समाज में करते आ रहा हूँ,
किसी के पास पैसा रहे नहीं रहे 12 बजे रात में मुझे पूछते हैं लोग, मैं उपलब्ध रहता हूँ। कोरोना काल देख लीजिए, इतना बड़ा महामारी था, फिर भी सारा हॉस्पिटल बंद था, पूरा डॉक्टर बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने अपने जान पर बाजी लगा के सारा जनता के बीच में रहा हूँ। चलिए, भाई मनीष कुमार और शबनम कुमारी का कहना है कि अगर हम वार्ड पार्षद पद पर चुनाव जीतते हैं तो मेरा उद्देश्य होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, नली गली सारे समस्याएं का निदान करना। जहां तक आवास योजना की बात है, वृद्धा पेंशन योजना की बात है, सब में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम करूंगा। रही बात रिश्वतखोरी की, तो रिश्वतखोरी मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। मनीष कुमार और शबनम कुमारी जी का कहना है। और वैसे मैं तमाम दर्शकों से बताना चाहता हूँ, जो इनका भीड़ है, जो इनका सैलाब है, इनकी जीत पक्की है। अरे मंदिर बस कहाँ ना जाए, अगर जहाँ झंडा रहे छो वीरता के, जहाँ पे वीरता के झंडा रहे छो। हेलो, संघ मनीष पंडित, जहाँ पे वीरता का झंडा रहता है, मोमबत्ती छाप, जहाँ पे वीरता का झंडा रहता है, और अभी हम भारी संख्या में है, और नौजुबक जब तक हमारे साथ रहेगा हम भारी संख्या में रहेंगे, और मेरा विजय अगर प्राप्त हो गया तो जैसे आज हम सब हैं वैसे ही सब हैं। हमारा नाम बास्कित राव। बास्कित राव जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा विजय होगा नहीं, आपका विजय हो चुका है। कोरोना में मदद किया था आपको, जान से बाजी लगा के अपना काम किया है। नहीं रहता तो हम लोग कहिया मर जाते। आप जिंदा है तो मनीष पंडित के द्वारा हम लोग है, नहीं रहते। मतलब मनीष पंडित हैं तो आप हैं? हम लोग हैं। अच्छा अच्छा, घर से निकला कितना तक? तो मनीष पंडित को चुनाव जिता दीजिएगा। मतलब जीत गया। जिंदाबाद मनीष भैया, जिंदाबाद।